हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एशिया कप 2022 का स्कोर कार्ड बना सकते हो, वो भी अपने मोबाइल में। तो इसके लिए मैं आज यूज़ करने वाला हूँ पिक्सल ऐप। आपको भी पिक्सल ऐप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले बता दूँ कि भाई इस थंबनेल का जो मैं PLP फाइल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आपको वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करना पड़ेगा। PLP फाइल के बारे में मैंने लास्ट में बताया, तो डायरेक्ट लास्ट में नहीं जाना, वीडियो को देख के जाना। तो भाई थंबनेल रेशियो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पिक्चर को अपना ऐड कर लेना है स्कोरबोर्ड का। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आपको ये फेसबुक पे भी मिल जाएगा, हाइलाइट्स लिख देना मिल जाएगा। तो एक दफ़ा इस तरह से सेट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक प्लस वाला ऑप्शन है, इस पर चले जाना और शेप में जाना, ठीक है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक और ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपको सिंपली ये दबा देना है। तो यहाँ पर ये देखो सारा सेटिंग हमारा यहाँ पर स्कोर कार्ड का वो हो चुका है। अब आपको क्या करना है, दोबारा शेप्स में जाना है। शेप्स में जाने के बाद आपको ये इस तरह से जो जो मैं लगा रहा हूँ और कर लेना है, और रेडियस को 100% फुल कर देना है। बाकी कलर वगैरह आपको यहाँ से कर देना है, और कलर सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर ये पेन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो कलर वगैरह करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो स्ट्रोक है बॉर्डर लाइन उसको करना है। तो उसके लिए यहाँ पर स्ट्रोक सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जूम करके जो यहाँ पर बॉर्डर का लाइन आ रहा है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट ब्लू है, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना है। बाकी स्ट्रोक आप मैंने 1 रखा है, आप 2 भी रख सकते हो। इसी तरह आपको हर उसके जितने भी शेप्स वगैरह हैं आपको सब पे यहाँ पर स्ट्रोक वगैरह लगा देना है। तो फटाफट मैं सब पे यहाँ पर लगा देता हूँ। We'll be right back.
स्ट्रोक्स लगाने के बाद अब यहाँ पर शेडो देना है। शेडो देने के लिए आपको शेप सेलेक्ट करना है और शेडोज में आना है, इसको इनेबल करना है और यहाँ पर जाके आपको सबसे पहले ऊपर ब्लैक कलर जो सिलेक्ट करना है और ये जो तीसरे वाले को जो है थोड़ा सा आपको लाइट कर देना है, बाकी दो को नहीं छेड़ना, तीसरे वाले को यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह करना है और ब्लर रेडियस हमेशा फुली रखना है और यहाँ पर जो ऑफसाइट ऑफ वाई है उसको 3 रख देना है, ठीक है, यानी वाई एक्सिस पे जो ऑफसेट होगा वो 3 होगा। तो बाकी यहाँ पर जितने भी सब पे आपको यही अप्लाई कर देना है, कोई चेंजेस नहीं करना। तो फटाफट मैं जितने भी शेप है सब पे यहाँ पर लगा देता हूँ। शेडोस ऐड करने के बाद अब हमारी बारी है, यहाँ पर आती है भाई जो लोगो वगैरह जिस टीम का भी मैच हो रहा है आप उसके लोगो कैसे लगाएंगे। तो आपको पहले गूगल पे जाके PNG सेलेक्ट डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से कुछ इंपोर्ट करके यहाँ पर लगा देना है। अब भाई जो लास्ट काम हमारे रह गया हुआ यहाँ पर जो स्कोर वगैरह है वो लिखने का, प्लेयर के नेम वगैरह लिखने का है, तो फटाफट से वो भी लिख देते हैं। तो आपको भी इसी तरह से लिख देना है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस देना नेम के बाद और स्कोर लिखना है, और चाहो तो आप यहाँ पर बॉल भी लिख सकते हो। तो जूम करके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे आपको सेट करना है। तो ये करने के बाद आप डिफरेंट यहाँ पर फॉन्ट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो फटाफट से मैं सभी ऐसे यहाँ पर लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर स्कोर वगैरह भी लिख देना है। तो गेमर्स हमारा जो स्कोर कार्ड है वो हो चुका है 101% रेडी। अब आपको क्या करना है लास्ट काम, यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट वाले पैचेस का, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट को क्लिक करके यहाँ पर लगा देना है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से हाइट और यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी पे अपने इस PNG को सिलेक्ट कर लेना है। तो भाई अब इस थंबनेल का PLP फाइल के बारे में बताता हूँ कि भाई अगर आपको ये PLP फाइल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो भाई जैसे इस वीडियो पे 50 लाइक हो जाएंगे या फिर 500 व्यूज होंगे, दोनों में से जो भी काम होगा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दूंगा, आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जब उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लॉग आपके बाइक का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको जो जैसे जो पोस्ट खुलेगा ना तो सबसे लास्ट में चले जाना, तो यहाँ पर आपको ये ज्वाइंट डिस्कशन होगा, तो उस पोस्ट में भी यही होगा, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, यहाँ पर 3-4 लाइनें लिखी होंगे ऑरेंज कलर में, तो उसके नीचे मैं आपको डाउनलोड करने का वो दे दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि भाई डाउनलोड द थंबनेल वगैरह वो लिखा होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको उस पर सिंपली क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना है और अपने पिक्सल ऐप में ऐड कर लेना है। अगर पिक्सल ऐप में ऐड करना नहीं आता तो आप यूट्यूब पर कोई वीडियो वगैरह देख सकते हो कि हाउ टू ऐड PLP फाइल इन पिक्सल ऐप। तो ठीक है, यही थी हमारी वीडियो आज की, कैसी लगी आपको वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और 50 लाइक जल्दी कर देना। अगर 50 लाइक हो जाते हैं तो भाई ये नहीं कि आपको लाइक नहीं करना, 100 लाइक भी कर दो चल जाएगा, अगली बार फिर आपको और भी जितने भी स्कोर कार्ड वगैरह पड़े हैं सब दे देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।